आपको यहाँ पे बार बार चोट लग सकती है। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा स्टीयरिंग के साइड झुके रहेंगे और ऐसे रखने से भी आपका बैक पेन, आपका सीट का पोजीशन को आप ऐसे मार करके भी रख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा क्लच आप नहीं दबा पाएंगे, बैक को सपोर्ट नहीं मिलेगा, बैक पेन हो सकता है। इस तरह फिर आपको ऐसे गाड़ी झुक के चलाना पड़ेगा। एक्चुअली कभी भी इसको ऐसे सीधा नहीं रखना होता और ज़्यादा ऐसे पीछे भी नहीं होना चाहिए। बहुत आगे रखने से क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है वो उसको ऊपर करूँगा तो ये लूज हो जाएगा और पीछे आपको धक्का मार के पीछे लेके जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको ऊपर या तो नीचे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए लर्निंग वीडियो में। आज हम लोग ड्राइविंग करने के समय में सीट का एडजस्टमेंट कैसे करना है उसको समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग ये समझते हैं कि सीट को कैसे एडजस्ट करना है ताकि आपको ये जो ड्राइविंग हो कम्फर्टेबल हो पाए। तो यहाँ पे एक लीवर दिया है, ये लीवर को मैं ऊपर की तरफ खींचूंगा तो सीट पीछे पूरी चली जाएगी। अभी यहाँ पीछे पूरी सीट रख के अगर मैं चलाता हूँ गाड़ी, ये जो मेरा पैर है वो पूरा का पूरा सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा क्लच आप नहीं दबा पाएंगे या तो फिर क्लच तक आपका पैर पहुँचेगा ही नहीं। और दूसरा ये भी हो जाएगा कि अगर आप ऐसे स्टेयरिंग पकड़ते हैं और स्टेयरिंग जब घुमाने की बारी आती है, मान लो कहीं पर टर्न करना आता है, तो आप ये स्टेयरिंग प्रॉपरली घुमा नहीं पाएंगे क्योंकि आपके हाथ सीधे हो जाएंगे या तो फिर आपको ऐसे गाड़ी झुक के चलाना पड़ेगा। तो उससे भी आपका बैक पेन वगैरह हो सकता है जो काफ़ी अनकम्फर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन है। तो इसको मैं बहुत आगे भी नहीं रख सकते, बहुत आगे रखने से क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है घुटने वाला पोर्शन, ये घुटने मेरे यहाँ पे टच हो रहे हैं। और दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कि अगर ब्रेक वाला पैर मेरा देखिएगा, तो ब्रेक वाला पैर मेरा पूरा ब्रेक के ऊपर ज़्यादा है, आगे है। ज़्यादा आगे ब्रेक लगने से क्या हो जाएगा, ब्रेक में हार्ड दबा दूंगा या तो फिर एकदम झटके से ब्रेक लगेगा। तो ये पोजीशन भी काफ़ी अनकम्फर्टेबल है, आपको यहाँ पे बार बार चोट लग सकती है, यहाँ घुटने के साइड में दर्द हो सकता है ऐसे सीट रखने से। और थोड़ा सा पीछे रखता हूँ मैं, अभी मैं यहाँ पे मेरा पैर का एंगल देखिए, एक शेप बन रहा है पैर का, और क्लच और ब्रेक दबा के देखता हूँ तो मैं कम्फर्टेबली दबा पा रहा हूँ। अगर मैं स्टेयरिंग के ऊपर हाथ रखता हूँ तो यहाँ मेरे हाथ का पोजीशन भी देखिए, एक बैंड हो रहा है हाथ के ऊपर और मुझे ज़्यादा आगे झुकना नहीं पड़ रहा है और मैं स्टीयरिंग को आराम से लेफ्ट और राइट घुमा सकता हूँ। आपका सीट का पोजीशन को आप ऐसे मार्क करके भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने वाइट टेप लगा के उसको मार्क कर लिया है। उससे क्या होगा, दूसरा आदमी अगर आपकी गाड़ी चलाता है और उसका सीट का पोजीशन चेंज कर देता है, फिर आपको बार बार याद नहीं रखना पड़ेगा कि आपकी सीट की पोजीशन कौन सी है। यहाँ पर मैं मार्किंग को मैच कर लूँगा तो मेरा जो सही पोजीशन है वो वापस मैच हो जाएगा। अभी देखते हैं हम कि ये सीट जो है, ये जो ये है उसको रिक्लाइन कितना रखना है, रिक्लाइन मतलब इसको कितना एंगल ऐसे रखना है पीछे या फिर ऐसे सीधा रखना है। एक्चुअली कभी भी इसको ऐसे सीधा नहीं रखना होता और ज़्यादा ऐसे पीछे भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि ये अगर मैं ये लीवर है छोटा वाला उसको ऊपर करूँगा तो ये लूज़ हो जाएगा और पीछे आप उसको धक्का मार के पीछे लेके जा सकते हैं। तो ऐसे करके एकदम पीछे भी नहीं रखना चाहिए। इसे रखने से क्या होगा, आपका जो बैक है यहाँ पे, बैक को सपोर्ट नहीं मिलेगा और आप जब चलाएंगे तब आपका बैक पेन हो सकता है इसके कारण। जैसे मैं इसको पुल करूँगा तो ये अपने आप आगे आ जाता है, तो ऐसे करके ज़्यादा खड़ा भी नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा स्टीयरिंग के साइड झुके रहेंगे और ऐसे रखने से भी आपका बैक पेन हो सकता है। इसके लिए सही पोजीशन जो होती है वो होती है, आपको थोड़ा इसको रिक्लाइन रखना है, मतलब थोड़ा एंगल पर इसको पीछे की साइड झुका होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो ये बैक पोर्शन है उसको सपोर्ट मिले, आपको शोल्डर को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो चलेगा। तो ये पोजीशन है वो सही है, इस तरीके से सीट एडजस्ट करके आप अच्छा खासा लॉन्ग ड्राइव पर आप गाड़ी चला सकते हो। इससे क्या होगा, ये जो एंगल दिया है उससे आपकी सीट की हाइट कम होती है, क्योंकि अभी सीट की हाइट कम हो रही है। ये जो फीचर है बहुत कम गाड़ियों में आता है, तो ऊपर पुल करूँगा तो सीट की हाइट ऊपर हो रही है। तो आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको ऊपर या तो नीचे कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और गाड़ी सेफ तरीके से चलाइए।